कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर। खबर काम की। तेल बाजारों में आई भयंकर तेजी, क्या ये तेजी कायम रहेगी? नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों के भाव और मार्केट का ट्रेंड, किस तरीके से इंटरनेशनल बाजारों में कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी, साथ ही आप लोगों को मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ कल टैरिफ जो रिवाइज हुई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। टैरिफ का क्या बाजारों में इंपैक्ट पड़ेगा इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। और इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर इसी तरीके की सोयाबीन, सरसों और मस्टर्ड ऑयल से संबंधित अगर आप जानकारी हमारे साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर तुरंत प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको बताएंगे सोया ऑयल में कल देखा गया, कल एक जबरदस्त तेजी देखी गई। जबरदस्त तेजी का मुख्य कारण रहा इंटरनेशनल बाजारों में जो एक तेजी आई, और शिकागो में आपने देखा कि शिकागो में भी एक जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। सोया ऑयल का भाव अगर देखेंगे तो 126 रुपए पर किलो पे हो गया। इस पर 5% आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा और लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट का चार्जेस अलग होगा। ये एक्स मील के आपको होलसेल के रेट बताए जा रहे हैं। इसी तरीके पामोलिन का भाव 125 रुपए तक हो गया। राइस ब्रान ऑयल का भाव की बात करेंगे, राइस ब्रान ऑयल का भाव जो एक बार 118 से 19 रुपए था, उसके बाद बाजारों में एक जबरदस्त तेजी आई। बाजारों में एक राइस ब्रान ऑयल का भाव 120 रुपए तक कल बाजारों में कामकाज हुआ। मस्टर्ड ऑयल का भाव 140 रुपए हो गया। सोयाबीन सीड में भी लगातार धीरे धीरे रिकवरी जारी है। सोयाबीन सीड का भाव भी 6400 रुपए हो गया। मस्टर्ड सीड की बात करें तो 6700 रुपए से 6800 रुपए के आसपास मस्टर्ड सीड में कामकाज हो रहा है। इंटरनेशनल बाजारों में कल केएलसी की बात करेंगे, केएलसी 349 रिंगिट। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चले, आगे आने वाले समय में केएलसी में जब रिकवरी आएगी उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो बाजारों में 4306 रिंगिट के साथ केएलसी 349 रिंगिट प्लस होकर बाजार बंद हुआ। कल एक बड़ी खबर आई जो टैरिफ रिवाइज होती है हर मंथ के हिसाब से, सीपीओ में टैरिफ रिवाइज कर दी। बाजारों में इंटरनेशनल बाजारों में तेजी के बाद सीपीओ में टैरिफ रिवाइज हुई, जो 1171 पहले चल रही थी वो 1067 कर दी गई। और आरबीडी में अगर बात करी जाए तो 1361 के वर्से 1085 कर दी गई। न्यू ड्यूटी की अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल में 1460 की 1328 कर दी गई। सीपीओ में 4750 रुपये पर टन का इसका इंपैक्ट आएगा। आरबीडी में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। बीडी में 12076 रुपए के हिसाब से, सोया ऑयल में 5912 रुपए के हिसाब से इसका इंपैक्ट बाजारों में देखा जाएगा। तो बाजारों में अगर जो ड्यूटी घटी है उसका हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। और बाजारों में इसके हिसाब से बाजारों में 2 से 3 रुपए किलो का बाजारों में करेक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं। बाजारों में और भी आप तेजी देख के चल सकते हैं, जैसे कि लगातार हमने आप लोगों को लेवल भी दिए थे, बताया भी था कि आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने खरीदारी करी है समय पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके जरूर चलें। ऊपरी स्तर पर बहुत ज्यादा होल्डिंग करके चलने की जरूरत नहीं है, बाजारों में अपनी समय समय पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें। जैसे कि लगातार हमने बताया था कि आप लोग 10 दिन का माल के आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर इसके बाद आप लोगों को विस्तृत जानकारी इसी तरीके से खाद तेल संबंधित रोजाना की जानकारी आपको चाहिए तो 9:30 बजे हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर प्रॉपर आपको मार्केट खुलने से पहले मार्केट की जानकारी वहां पर दी जाएगी, तो आप जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आपको बताएंगे इंटरनेशनल बाजारों में आज केएलसी बंद रहेगी। केएलसी में आज सैटरडे के दिन बाजारों में कामकाज नहीं होता है। केएलसी में आज और शिकागो में कोई कामकाज आज नहीं देखा जाएगा। अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 124 रुपए, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 128 रुपए। अगर राइस ब्रान ऑयल की सपोर्ट की बात करते हैं तो 118 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 122 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 123 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 127 रुपए। मस्टर्ड का सपोर्ट का लेवल 6300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 7100 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 6100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद तेल बाजारों में आप लोगों को सबसे पहले लोअर लेवल पर आप लोगों को खरीदारी की सलाह दी थी, और बाजारों में अगर जिन लोगों ने भी अच्छा मुनाफा कमाया तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि और भी आप लोगों को इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहेगी। आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे और कमेंट में अगर अपना जवाब देंगे तो और भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आगे आने वाले समय में सही समय पर सही जानकारी आप लोगों को दी जाए। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया कि खाद तेल बाजारों में टैरिफ के रिवाइज की वजह से हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, लेकिन बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अभी ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में आप अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।